हेलो एंड वेलकम टू एचएम हॉबिस्ट। आज हम फिर से आए हैं दिल्ली के सुभाष नगर में लोकेटेड स्टार एक्वेरियम शॉप में। सो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में तो हमने टैंक्स को कवर कर ही लिया था और फिश के स्टॉक को हम देख ही चुके थे, बट इस बार हम स्टार एक्वेरियम के अंदर जितने फिश फूड्स हैं और फिश से रिलेटेड एसेसरीज हैं उनको कवर करेंगे। तो सर, आप मुझे बताएंगे कि आपके पास एसेसरीज में क्या क्या अवेलेबल है फिश एक्वेरियम की? एसेसरी में हमारे पास सारी आइटम अवेलेबल हैं, इसके टॉयज, प्लांट और रॉक और इसका स्टोन, ग्रेवल, मार्बल और फिल्टर, हीटर, ठीक है, और इसका एयर पंप, हाँ, फिश फूड वगैरह सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सो एयर पंप से पहले बात करते हैं, जो एयर पंप किस किस तरह के होंगे और क्या क्या प्राइस से आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे सपोज दैट मेरे पास 3 फीट का टैंक है और एक दूसरा टैंक है जो कि 6 फीट का है, तो मेरे को कौन सा एयर पंप यूज़ करना चाहिए 3 फीट के लिए और 6 फीट के लिए? सर देखिए, एयर पंप दो तरह के होते हैं। एयर पंप, एक सिंगल नोजल एयर पंप आता है और एक आता है डबल नोजल एयर पंप। ठीक है, जो सिंगल नोजल एयर पंप आता है वो 2 से 3 फीट के एक्वेरियम के लिए होता है। ठीक है, और डबल नोजल एयर पंप आता है वो 4 से 5 से 6 फीट के एक्वेरियम के लिए होता है। अच्छा, ठीक है। और इसमें मतलब कि आप कनेक्ट करके दौड़ में काफ़ी आइटम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आप मुझे प्राइसेज भी बता देंगे कि सिंगल नोजल वाला क्या रेट का होगा, डबल नोजल वाला क्या रेट का? जी सर, सिंगल नोजल एयर पंप जो आता है सर वो 150 से लेकर 200 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और डबल नोजल एयर पंप जो आता है वो 350 से लेकर 500 तक का। ओके, सो ब्रांड मैं देख रहा हूँ जैसे कि आपके पास ये वीनस एक्वा का है। ओके, सो ब्रांड अच्छा है ये? अच्छा ब्रांड है, वीनस एक्वा का अच्छा है, सोबो का अच्छा है। सोबो का भी मिल जाएगा? सोबो का भी मिल जाएगा, एक्वा वन का भी मिल जाएगा। अच्छा, जो सबसे बेस्ट है वो एक्वा वन का है। अच्छा, सबसे बेस्ट एक्वा वन का होता है, और वो क्या रेट का पड़ता है? एक्वा वन का अगर आप सिंगल नोजल लेंगे तो सर वो आपको मिल जाएगा अराउंड 400 का। ओके, इसका जो डबल नोजल है वो आपको मिल जाएगा 650 का। ठीक है, सो फिल्टर्स भी मैं देख पा रहा हूँ, आप फिल्टर्स के बारे में भी बताएंगे? फिल्टर में देखिए सर, बहुत तरह की वैरायटी है, साइज के अकॉर्डिंग एक्वेरियम में एडजस्ट किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए 2 फीट का एक्वेरियम है, 2 फीट में ये वीनस का 6005 नंबर फिल्टर आराम से एडजस्ट हो जाता है। ओके, और पानी को भी अच्छे से साफ रखता है। ये वीनस का 6005 आप बोल रहे हैं? 6005, ठीक है। सो ये तो इंटरनल फिल्टर है? ये इंटरनल फिल्टर जी। और अगर सपोज कीजिए अगर आपका एक्वेरियम बड़े साइज का है तो उसमें कनेस्टर फिल्टर भी लग जाता है। ठीक है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो ऑन ऑर्डर आता है। उसमें काफी तरह की कंपनियां आती हैं, सुबो आता है, डॉल्फिन आता है, एमजी आता है, एक्वा वन आता है। ठीक है, वो टैंक के अकॉर्डिंगली उसमें लगता है। उसकी जो कॉस्ट है वो 3500 रुपये से लेकर 15 से 20 हज़ार रुपये के बीच में भी वो आता है। अच्छा, सो सारी वैरायटीज़ के आपके पास फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं? और अभी क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं, विंटर्स के सीज़न में हम एक्वेरियम हीटर लगाते हैं, तो हीटर्स आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ के होंगे, क्या क्या साइज़ होगा और क्या क्या प्राइस होगा वो बताएंगे एक बार? हाँ जी सर, हीटर जो है हमारे पास सुबो का भी है और हीटर हमारे पास वीनस का भी है। ठीक है, और RS कंपनी का भी है। ठीक है, जो हीटर होते हैं स्मॉल साइज़ में 50 वाट से स्टार्ट हो जाता है, और उससे बड़े एक्वेरियम होते हैं 2 फीट 2.5 फीट, उसमें 100-150 वाट का हीटर लगता है। ठीक है, एक ये बॉक्स भी उठा के मुझे दिखा देंगे हीटर का किस तरह का होता है? हाँ जी, ये RS कंपनी का है, 200 वाट का हीटर है। ओके, ये आपका 3 फीट से लेकर 4 फीट तक के एक्वेरियम में लगता है। तो 3 फीट से लेकर 4 फीट तक के लिए कवर कर देगा? हाँ जी। ठीक है, ओके, सो इसी तरह के आपके पास सारे हीटर्स भी अवेलेबल होंगे? सारे हीटर अवेलेबल हैं, हीटर में स्टील हीटर भी आता है। हाँ, जो मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है और उसका टूटने का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, वो भी 100 वाट से लेकर हमारे पास 500 वाट तक का अवेलेबल है। ठीक है, सो हीटर्स की प्राइस रेंज बताएंगे आप? हीटर की जो प्राइस रेंज है सर वो 250 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 250 से लेकर वो 750 तक अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, अब एक बार हम फिश फूड्स को भी कवर करना चाहेंगे, आप मुझे बताएंगे कि फिश फूड में अगर मान लीजिए किसी पास गोल्ड फिश है, तो गोल्ड फिश के लिए अगर कोई अच्छा फिश फूड चाहिए हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाली यही मछली जाती है गोल्ड फिश, तो वो उसके लिए कौन सा फूड सबसे बेटर रहता है? देखिए, गोल्ड फिश के लिए स्टार्टिंग जो बेसिक पैलेट होते हैं, जैसे ये एटलस का पास रेड है। अच्छा, देखिए, ठीक है, ग्रेन्यू है, बहुत बारीक ग्रेन्यू है, ये गोल्ड फिश के लिए अच्छा फूड है, स्टार्टिंग बेसिक फूड है ये। हाँ हाँ, और ये अगर गोल्ड फिश को दिया जाए तो गोल्ड फिश इससे काफ़ी ठीक रहती है। अच्छा, बट अगर आप और हेल्दी रखना चाहते हैं गोल्ड फिश को, तो फिर ये एक फूड और है, ये इकोनॉमिकल फूड है, एक्वापेट का। ओके,
और ये 300 ग्राम का फूड है और काफी अच्छा गोल्डफिश का ये फूड है ये। ठीक है, सो ये पैलेट्स हैं? ये पैलेट्स हैं। ओके, सो प्राइसेस भी थोड़ा सा बताएंगे आइडिया? जी सर, ये आपका 100 ग्राम का है। हाँ हाँ। और ये 100 रुपीस का है। ठीक है, और आपका ये 300 ग्राम का फूड है, ये 350 का है। 350 का। और अगर किसी के पास मान लीजिए डिस्कस वगैरह है और जो प्लांटेड एक्वेरियम में रखने लायक फिशेज होती हैं वो है, तो उनके लिए कौन सा फूड आप रेकमेंड करेंगे? सर, डिस्कस के लिए सबसे बेस्ट है टेट्राबिट्स। ओके, मैं टेट्राबिट्स रेकमेंड करूंगा, ये बहुत अच्छा फूड है। ठीक है, जर्मनी का फूड है ये। ठीक है, जर्मनी का ब्रांड है और डिस्कस क्या ऑल फिशेज के लिए बहुत बेस्ट फूड है। ठीक है, सो क्या रेट होता है इसका? सर, इसका 300 रुपीज़। 300 रुपीज़। सो इसे बड़े पैकिंग भी आती हैं? हाँ, इसका एक बड़ा पैक भी है। हाँ हाँ, ये बड़ी पैकिंग है इसकी, ये 300 ग्राम की। 300 ग्राम? हाँ जी, ये 950 का। 950 का। ठीक है, और जैसे अगर किसी के पास सिकलेट्स वगैरह हैं, सो सिकलेट्स के लिए कौन सा फूड आप रेकमेंड करेंगे? सिकलेट फिश के लिए देखिए सर, ये बहुत अच्छा फूड है। हाँ हाँ, और 100 ग्राम का फूड है, ग्रेन्यू के अंदर है ये। ग्रेन्यू है इसके अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा फूड है। ठीक है, और जो इसका प्राइस है वो 250 के अराउंड है। 250 के अराउंड। हाँ जी, ठीक है। और अगर आप चिकलेट्स में और कुछ भी लेना चाहते हैं तो ये श्रिम्स हैं। ठीक है, श्रिम भी आप ले सकते हैं, चिकलेट वैरायटी है, श्रिम्स हो गई, ग्रेन्यू हो गए, ये बॉम्स हो गई, ये बहुत अच्छे से खाती हैं, तो ये आप श्रिम भी ले सकते हैं। और जो इसका प्राइस है वो आपका अराउंड 350 का प्राइस है। ठीक है, बट इसमें जो पिक्चर आ रही है अरवाना और फ्लावरहॉर्न की आ रही है, तो आप अरवाना और फ्लावरहॉर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, ये अरवाना और फ्लावरहॉर्न के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर स्पेशल आप फ्लावरहॉर्न के लिए फूड देखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा फूड है, हम्पी हेड। ठीक है, हम्पी हेड फूड है और ये आपका 100 ग्राम का फूड है और ये आपको मार्केट जो इसका प्राइस है 450 या 500 रुपीज़ का है, बट हमारे यहाँ आपको इसका 400 रुपीज़ प्राइस मिलेगा। ठीक है, फ्लावरहॉर्न इसके अलावा और क्या क्या खा सकती है या उसके लिए कौन सा फूड और बेटर रहता है? फ्लावरहॉर्न में इसमें हम्पी हेड में सर तीन तरह के हम्पी हेड आते हैं। हाँ हाँ। तो ये हेड के लिए होता है स्पेशली, जो उसके हेड को ग्रो करता है। ठीक है। हाँ हाँ। एक इसके कलर के लिए भी होता है, जो हम्पी रेड करके फूड आता है। ओके, और वो भी आप उसको दे सकते हो। इसमें एक कंपनी और आती है, KW की भी आती है। ठीक है, आप वो भी इसको दे सकते हो। ये तीनों फूड जो फ्लावरहॉर्न के लिए बहुत बेस्ट है। अच्छा, और फ्लावरहॉर्न को आप साथ में श्रिम्प्स भी दे सकते हो। अच्छा, श्रिम्प भी फ्लावरहॉर्न के लिए बेस्ट है। अच्छा, ठीक है। और अरवाना के लिए अगर आप बताना चाहें तो? अरवाना के लिए सर ये श्रिम्प भी चलता है। ठीक है, अरवाना के लिए स्पेशल स्टिक्स भी आती हैं, अरवाना स्टिक्स आती हैं। हाँ हाँ, और वो भी आपको यहाँ से स्टॉक में मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, वो भी मिल जाएगा। हाँ जी। और अगर मान लीजिए किसी पर्सन के पास टर्टल्स हों? हाँ जी। सो टर्टल के लिए कोई फूड होगा आपके पास? हाँ, टर्टल के लिए भी सर ये फूड आता है। टर्टल के लिए जो बेसिक फूड स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ, ये अपना टोया कंपनी का है। हाँ हाँ, और टर्टल स्टिक्स हैं ये। ठीक है। हाँ, तो ये आप दे सकते हैं इसको, और जो इसका प्राइस है वो 120 है और 120 ग्राम का ये फूड है। अच्छा, और इससे बड़ा कोई बकेट भी होगा आपके पास, जैसे बड़े साइज में होते हैं? बड़े साइज में भी है सर, देखिए इसका टोया कंपनी का ये 250 ग्राम का है। अच्छा, ये बड़ा है 250 ग्राम का। हाँ जी, और इसका जो प्राइस है वो 200 रुपीज़। 200 रुपीज़। ठीक है सर। सर देखिए, इसके फिश फूड में हमने काफ़ी वैरायटी दिखाई है। हाँ हाँ, बट फिश फूड में कुछ ऐसे फूड भी हैं जो बहुत ही सुपीरियर हैं। ठीक है, जैसे कि सैरा के फूड है। अच्छा, जैसे ये सामने रखे हुए हैं? हाँ जी, ये सैरा का फूड है और ये बहुत अच्छे फूड है। सैरा कोई पैलेट से ये। अच्छा, स्पेशल कोई मतलब कोई का फिश के लिए है। अच्छा, जिनके पास पॉन्ड वगैरह हो, पॉन्ड हो या कोई फिश के जो रखते हैं वैरायटी। ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा फूड है ये। ठीक है, सैरा का कोई रॉयल मिनी पैलेट है ये। हाँ हाँ, और ये कोई के लिए बहुत ही अच्छा फूड है ये। ठीक है, अपने फिश कोई फिश जो रखते हो मतलब ग्रोथ के लिए, कलर एनहांसमेंट के लिए, कलर एनहांस के लिए और उसकी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा फूड है। ठीक है, उसके अलावा और भी आपने बॉक्सेस रखे हैं? हाँ सर, ये देखिए, ये छोटी फिशेज हैं जैसे नियॉन टेट्रा वगैरह रखते हैं। हाँ हाँ, प्लांटेड टैंक्स के लिए, प्लांटेड टैंक के लिए है, तो ये विपा ग्रीन नेचुरल फूड है। हाँ हाँ, और ये भी सैरा कंपनी का है। हाँ ये भी बहुत अच्छा फूड है, जिनके छोटे फिशेज प्लांटेड फिशेज रखते हैं तो वो अपने फिशेज को ये फिश फूड दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला बॉक्स तीसरा है? ये गोल्डी ग्रैंड नेचुरल फूड है और ये गोल्ड फिश के लिए स्पेशली, गोल्ड फिश की ग्रोथ, कलर और उसकी लाइफ से भी बहुत इससे इफेक्ट पड़ता है, और ये फूड जो गोल्ड फिश रखते हैं वो ये फिश फूड दे। ठीक है,
सो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया और अपने फ़िश फूड के बारे में बताया। आई होप जो व्यूअर्स हैं उनको फ़िश फूड से रिलेटेड ये जानकारी पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था स्टार एक्वेरियम का फ़िश फूड सेगमेंट, जिसमें हमने फ़िश फूड और फ़िश से रिलेटेड एसेसरीज़ कवर की हैं। पिछली वीडियो में हमने फ़िश टैंक्स को कवर किया था। अगर आपको फ़िश टैंक्स से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखकर भी फ़िश टैंक्स को देख सकते हैं। और यहाँ पर सारी वैरायटी के फ़िश टैंक्स मिल जाएंगे, जैसा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इनके पास फ़िश टैंक्स की, और बहुत बड़े बड़े फ़िश टैंक्स हैं ये, हालाँकि ये कैमरे में भी कवर नहीं हो पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।